पावर सप्लाई को लेकर काफ़ी परेशान हैं और आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है। और अगर आपको पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं इस वीडियो में डीपली आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है अगर आपका पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा। तो ये कैनन की स्पेशली पावर सप्लाई है, 235, 47, 50, 43, 50, ठीक है। तो इस तरह से जो पावर कैनन के जो भी पावर सप्लाई आते हैं उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो ये इसका आउटपुट 2 वोल्ट होता है। जब आप इस यहाँ से ईसीयू और लॉजिक कार्ड में कनेक्शन देके ऑन करते हैं तो फिर ये 23-24 वोल्ट यहाँ पे देता है आउटपुट, तब एक्टिवेट होता है, ठीक है। उससे पहले आप चेक करोगे तो इसका आउटपुट 2 वोल्ट आएगा, 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो उससे पहले मैं बताऊँगा, कोई भी पावर सप्लाई हो, HP कैनन स्पेशली, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि डेड कंडीशन में। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखेंगे वेजर मोड पे हम डालेंगे इसको और ये फ्यूज को चेक करेंगे। सबसे पहले हम जब पावर सप्लाई हमारा डेड कंडीशन में आए तो हम उसको क्या करेंगे, फ्यूज को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फ्यूज चेक करते ही हमें कन्फर्म हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है पावर सप्लाई में। तो देखिए, यहाँ पर फ्यूज को चेक किया, फ्यूज बीप कर रहा है तीनों, तो यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके है, सस्पेक्टेड है, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन पे ये इंस्टेंट सॉल्यूशन आप क्विक चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सप्लाई कहाँ तक ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 330 या 350 पीक वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। और उसके बैक साइड पर कैपेसिटर के ये MFC बोलते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर, इसको हम बैक साइड से चेक करेंगे और कौन सा वोल्ट होगा DC। तो हम क्या करेंगे, 400 वोल्ट पे रखेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये है DC, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे पावर, ये देखिए पावर लगाया। और यहाँ पे हम चेक करेंगे रियर साइड से, तो ये इसका दोनों टर्मिनल हैं, तो आपको केयरफुली ध्यान देना है कि दोनों टर्मिनल में टच करके चेक करें। तो देखिए, तो यहाँ से सप्लाई ऑन कर लेते हैं, सप्लाई हमारा ऑन है, बट हम क्या करेंगे एक बार प्राइमरी सेक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे 200 यहाँ पे आ रहा है, 200 जो भी इनपुट में 250 220 230 220 स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं होता है, तो ये कभी कभार वोल्टेज 240-250 के करीब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पे तो इनपुट वोल्टेज आ रहा है लेकिन कैपेसिटर पे नहीं आ रहा है, तो कैपेसिटर पर दोबारा चेक करेंगे, हो सकता है ये कई बार इसमें ग्लू लगा होता है उसकी वजह से नहीं आता। देखिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 330 आ रहा है, ओके, इन दोनों टर्मिनल पे। तो इसमें जो वो लगा होता है पेस्ट, उसकी वजह से नहीं आता, थोड़ा स्क्रैच कर लीजिए, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ तक ओके है, हमारा MOSFET काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये हमारा इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरी चीज़, हमारा ये पावर सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट हमें मिलना चाहिए, यहाँ पे 2.4 मिल रहा है, तो यानी कि ओके है कैनन में। तो किस पे चेक कर रहे हैं, 35 वोल्ट के कैपेसिटर पे। देखिए, ये 35 वोल्ट की कैपेसिटर लगी है, ये देखिए यहाँ पे, इसके बैक साइड को आपको चेक करना है, कोई भी पावर सप्लाई HP कैनन की हो तो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा ठीक है, गुड कंडीशन में। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो ये आउटपुट इनिशलाइज तब होता है जब इसमें हम लॉजिक कार्ड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो अब आप डोर क्लोज करते हैं तो ये बटन क्या होता है, प्रेस होता है, तो इन ईसीयू को क्या करता है, ये घुमाता है, ठीक है, वोल्टेज जाता है, ईसीयू को एक्टिवेट करता है बाय द हेल्प ऑफ द दिस कंट्रोलर, ओके। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2.4 आ रहा है, तो जो हमारा आउटपुट है, अगर आपका HP की पावर सप्लाई है तो 23 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो ये कैनन किया तो 2.4 आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे 23 वोल्ट आएगा, 23-24 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे तो 23-24 वोल्ट आएगा। अगर आपका ब्लैक प्रिंटिंग आता है तो ब्लैक प्रिंटिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारा ग्राउंडिंग है सेक्शन है, तो इस पे भी मॉइस्चर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कई बार ये पेंच नहीं लगे होंगे ढंग से यहाँ पे इस अर्थिंग पॉइंट पे, तो भी लाइट प्रिंटिंग आएगा या टूट जाएगा ये, तो इससे रिलेटेड जो ये यहाँ ड्राई शोल्डिंग भी हो जाता है, तो भी इसके वजह से आता है। ये दोनों आप ट्रांसफार्मर को चेंज कर देंगे, ब्लैक प्रिंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और साथ कभी इससे सॉल्व नहीं होता तो आप इसको ज़रूर चेंज कर दीजिए, आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
और ये दो ट्रांजिस्टर आपको और चेंज करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, आपका जो फ्यूजर यूनिट काम नहीं करे, ये जो फ्यूजर कनेक्टर है इस पे वोल्टेज कितना आता है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो जो हमारा जितने वोल्ट का हीटर होता है, 110 220 वोल्ट का, जितने यहाँ पे देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है, इसको चेक करना है आपको। ये भी ओपन हो जाता है तो भी हमारा फ्यूजर एरर आता है, और बार बार हम फ्यूजर को बदलते रहते हैं तो भी नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 57 ओम आ रहा है, तो हमारा इट मीन्स हमारा ओके है। ये देखिए 57, ओके। और ये आप देखेंगे यहाँ पे एक डायोड भी है, इसके वजह से भी आ जाता है। कई बार इसके ट्रैक टूट जाते हैं, रियर साइड से शोल्डरिंग प्रिंट निकल जाते हैं तो भी इसकी वजह से आता है। तो इसको चेक करें कंटिन्यूटी, और बार बार आपका टैपलॉन प्रेशर वाला जल जाता है, सिकुड़ जाता है, आपस में चिपक जाता है। तो ये जो यहाँ पे 8 PM की IC लगी है वो क्या करता है, ऐसे चेक करोगे तो बीप देगा, तो इसका मतलब शॉर्ट है, ठीक है। आपको डाउट है तो बाहर निकल के चेक कर लीजिए। और कई बार कई केसों में रिले भी ख़राब होता है, रिले, तो इसको भी आपको चेंज करके देखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। और आउटपुट में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये फ्यूज ज़रूर चेक कर लें, ये भी ओपन हो जाता है कई बार, ठीक है। और ये मॉसफेट की टेस्टिंग अभी इसमें फ्यूज में नहीं है, तो अभी मैं इस केस में नहीं बता रहा हूँ। ये तो ओके कंडीशन की मैंने बात कर दिया, अब डेल्ट जो पावर सप्लाई आया उसको भी आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करके करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्यूज ओपन है तो सीधा मॉसफेट वगैरह चेक करें।